नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम साहब। मैं महावीर सिंह राजपुरोहित हमेशा की तरह आप लोगों के लेके आया हूँ एक नई प्रॉपर्टी। आज हम आए हैं चौपासनी गार्डन के सामने ऊर्जा विहार के अंदर। ऊर्जा विहार के अंदर आप देख सकते हैं 20x55 का जोधपुर स्टोन के अंदर काफी प्रीमियम और काफी अच्छा मकान रहने वाला है। अगर मैं इसके फेसिंग की बात करूं तो ये रहेगा आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस और इसके आगे फ्रंट रोड रहेगी आपके 40 फीट की। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा हाउस डिटेलिंग में। सबसे पहले अगर मैं इसके रैम्प की बात करूँ तो रैम्प आपको प्योर ग्रेनाइट के अंदर रहने वाला है। उसके बाद में आपको जोधपुरी पत्थर का आपको पूरा का पूरा एलिवेशन रहेगा। और उसके बाद में जो मेन डोर है, मेन डोर आपको यहाँ पे आयरन का रहने वाला है। आयरन के डोर के बाद आप चलते हैं आगे पार्किंग की तरफ। पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी छोटी फोर व्हीलर या आपकी टू व्हीलर गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है। हमेशा लोगों की यही शिकायत रही है कि आप मकान बहुत कॉस्टली बता होते हो, तो ये मकान आपके बजट के अंदर रहने वाला है और इसकी रेट है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। और इस हाउस की आपको दो एंट्री मिलेगी, एक जाएगी किचन की तरफ और दूसरी जाएगी ड्राइंग रूम की तरफ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग रूम की एंट्री की तरफ लेके चलता हूँ। उससे पहले अगर मैं डोर की बात करूं तो आपको मेन डोर्स है जो सागवान के रहने वाले हैं, वो कि विद पॉलिश के साथ में। और उसके बाद में अब हम आ गए हैं कि ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम देखेंगे आपको, ड्राइंग रूम पे काफी बड़ी साइज के अंदर रहने वाला है, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे सोफे का प्रोविजन दे रखा है। एक साइड आपको वॉल टेक्सचर मिलेगी और इस साइड में आएगा आपका टीवी पैनल। और उसके बाद में फॉल सीलिंग देखेंगे तो फॉल सीलिंग भी आपको काफी कलरफुल और काफी अच्छी रहने वाली है। ड्राइंग रूम के साथ में आपको एक अटैच वॉशरूम प्रोविजन दे रखा है। अटैच वॉशरूम के साथ में आप देखेंगे उसके अंदर टाइल्स का वर्क काफी प्रीमियम और काफी अच्छा हो रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट जो इसका लॉबी एरिया है। वो लॉबी एरिया में आने के बाद देखेंगे लॉबी एरिया भी, ये भी काफी बड़ी साइज के अंदर रहने वाली है। ये रहेगा आपका बड़ा टीवी पैनल। उसके बाद में ये आ गया आपका पूजा स्पेस। पूजा स्पेस को अलग से सेपरेट बना रखा है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर मेरे फ्रंट में देखेंगे तो ये आएगा यहाँ पे वॉश बेसिन। यहाँ पे टेबल टॉप वॉश बेसिन रहने वाला है और उसके साथ में आप देखिए ग्लास का और काफी अच्छा काम हो रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो लेडीज का सबसे फेवरेट पार्ट रहता है, किचन। किचन के अंदर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एल शेप के अंदर यहाँ पे किचन टेबल टॉप रहेगा। ये पूरा का पूरा किचन आपको मॉड्यूलर रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड चिमनी का प्रोविजन दे रखा है और यहाँ पे आएगा आपका पानी का पलिंडा, अलग से उसको सेपरेट बना रखा है। किचन के अंदर भी आपको फुल हाइट तक की टाइल्स का प्रोविजन दे रखा है। उसके बाद में आपको फॉल सीलिंग का प्रोविजन दे रखा है। और जो मैंने सबसे पहले आपको गेट बताया था, ये उस गेट की एंट्री सीधी सीधी किचन में आएगी। रीजन, ये नॉर्थ फेसिंग हाउस है और पूरा का पूरा वास्तु के हिसाब से बना रखा है। ये टोटल आपको 2 BHK हाउस रहने वाला है। 2 मास्टर बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, लॉबी, किचन, बार पार्किंग एरिया, दोनों रूम में अटैच वॉशरूम, ये सारी की सारी चीजें आपको एक घर के अंदर देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारे प्रॉपर्टीज के वीडियोस देखने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम के अंदर आने के बाद आप देखेंगे इस साइड में आपको देख सकते हैं वार्डरोब का प्रोविजन दे रखा है। वार्डरोब भी आपको काफी स्पेशियस और काफी बड़ी साइज के अंदर वार्डरोब देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं इसका बेड, बेड का जो पॉसिस वर्क है वो भी काफी अच्छा बना रखा है। यहाँ पे आपको डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए आपको लाइटिंग का प्रोविजन दे रखा है। और ये आप देख सकते हैं कॉर्नर को शोकेस को यूज किया है। और ये आगे आपका टीवी पैनल, टीवी पैनल भी आप देखेंगे ऊपर आपको स्टोरेज के लिए प्रोविजन दे रखे हैं। उसके बाद में फ्रंट के अंदर आप देखेंगे अगर तो ये आएगा आपका ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया भी आप देखेंगे ये भी आपको काफी अच्छा स्टोरेज के साथ मिलेगा। नीचे आपको स्टोरेज का प्रोविजन दे रखा है। और ये आएगा इस रूम का अटैच वॉशरूम। जो वॉशरूम की आप साइज देखेंगे 20x55 साइज के अंदर भी आपको वॉशरूम काफी अच्छी साइज के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आप देखिए फुल हाइट तक की टाइल्स है। ऊपर आपको फैन का प्रोविजन दे रखा है, गीजर का प्रोविजन दे रखा है। जो भी सैनिटरी फिटिंग है सारी की सारी आपकी ब्रांडेड रहने वाली है। ये आगे आपका वेस्टर्न कमोड और यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉश बेसिन। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ हो सकती है आपकी। और अगर आप इस विला को विजिट करना चाहते हैं या इस विला को देखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये आ जाएगा आपका, आप देख सकते हैं पीछे का बैक एरिया 20x55 साइज के अंदर भी आप देखिए बैक एरिया दे रखा है। अटैच वॉशरूम वगैरह सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और इसके अंदर भी फुल हाइट तक की टाइल्स आप देख सकते हैं, जो कि 8 फीट हाइट तक की टाइल्स रहेगी। और उसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ जो इसका सेकंड मास्टर बेडरूम है। वो सेकंड मास्टर बेडरूम जाने से पहले अगर आप इसकी चौखट देखेंगे, चौखट आपको काफी बेस्ट क्वालिटी की इसके अंदर रहने वाली है, जो आयरन की रहेगी। और उसके बाद में ये आ गए इसके जो सेकंड मास्टर बेडरूम में। सेकंड मास्टर बेडरूम में भी आप देखेंगे सेम आपको यहाँ पे एक अलग थीम के साथ में, एक अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ में वर्क हो रखा है। उसके बाद में आप इस साइड मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा वार्डरोब का सेक्शन, जो वार्डरोब भी काफी बड़ी साइज के अंदर है। और उसके बाद में ये आ गया इसका बेड का पॉसिस वर्क। आप पीछे देखिए वॉल का पेंट, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो एकदम डिफरेंट है। और ये आ गया आपका इसका टीवी पैनल। उसके बाद में यहाँ पे आपको विंडोज का भी प्रोविजन दे रखा है, अगर आप चाहते हैं पीछे कूलर वगैरह लगाना तो वो आप आराम से सेटअप कर सकते हैं। बाकी पूरे घर के अंदर जहाँ जहाँ एसी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो एसी की फिटिंग इंस्टॉल रहेगी। अगर आपको टेलीविजन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो टेलीविजन इंस्टॉल रहेगी। और ये आ गया ड्रेसिंग का एरिया। ड्रेसिंग एरिया आप देख सकते हैं इसको काफी अच्छा डिजाइन के साथ बना रखा है। और नीचे भी आपको यहाँ पे स्टोरेज का प्रोविजन दे रखा है। और ये आगे इसके अटैच वॉशरूम।
अटैच वॉशरूम भी आप देखिए, ये भी आपको बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे फुल हाइट तक की टाइल्स रहेगी, ये आगे आपका वेस्टर्न कमोड, ये वॉश बेसिन और ये आगे आपका शावर सेक्शन, ये सारी की सारी चीजें हो सकती है सिर्फ आपकी। ये जो पूरा का पूरा हाउस है ये आपको 2 BHK मिलेगा और ऊपर टेरिस पे आपको टुकड़ी का प्रोविजन दे रखा है। अगर आप इस विला को विजिट करना चाहते हैं या आप इस विला को खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।